कटोरिया विधायक भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री बिहार महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर निकी हेम्ब्रम अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। चांदन में होली के दिन एक 8 वर्षीय बच्ची को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर देने के मामले में आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने को लेकर कटोरिया विधायक डॉक्टर निकी हेम्ब्रम अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया, साथ ही हर संभव सहयोग करने का भी भरोसा दिया। इसको लेकर मासूम मृतका के पिता गौतम पोद्दार ने विधायिका डॉक्टर निकी हेम्ब्रम से विनती करते हुए कहा कि दुष्कर्मी को अगर सजा नहीं मिला तो हम भी आत्महत्या कर लेंगे। उनसे कहा कि जितनी जल्द हो आरोपी को सजा दिलाने का काम करें, हम सभी परिवारों का विनती है जिससे मासूम मृतका की आत्मा को शांति मिल सके और आने वाले चांदन में फिर इस तरह दुस्साहस करने के लिए किसी को सोचना पड़े। परिजनों एवं ग्रामीणों की बात सुनकर कटोरिया विधायक ने भरोसा देते हुए कहा कि इस घटना में निष्पक्ष जांच होगी, नहीं तो CBI की जांच कराकर दुष्कर्मी को जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हरे कृष्ण पांडे, जिला मंत्री चंदन सिन्हा, जदयू नेता दिनेश सिंह, निरंजन सिंह, आदित्य पोद्दार, संजीव कुमार, जमुना पोद्दार एवं सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद थे।